हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब क्लाउड। तो एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो टोटली शेयर मार्केट के ऊपर रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुल पूरा शुरू से लेके एंड तक देखें, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ अशोक लेलैंड शेयर के ऊपर कि अब ये कहाँ जा सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अगर देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सेलिंग है और बहुत नीचे आ चुका है। कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से इसको खरीदना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो जो मेरा खुद का एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अभी यहाँ से कहाँ जा सकता है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो मेरी खुद की एनालिसिस है। तो अगर इस वीडियो को देख के अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं और उससे अगर आपको कोई लाभ या कोई हानि होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इससे मेरे इस वीडियो का और मेरे बताए गए एनालिसिस का कोई भी लेना देना नहीं होगा। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर मिलें और उसके बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये अशोक लेलैंड का चार्ट ओपन हो गया है, इसमें अब ये कहाँ जा सकता है। पहले हम बात करेंगे ये अभी आ कहाँ से रहा है। अभी जो अपने इसने हाई बनाया था 138 के आसपास बनाया था, मतलब 139 का। और अगर बात करें करंट मार्केट प्राइस की तो इसने जो लास्ट की जो ट्रेडिंग इसकी हुई है ये 18 जून को इसने क्लोजिंग दिया है 116 पे, और जबकि इसका लो बना था 113.55 का। तो अब सवाल ये उठता है कि अब हमें यहाँ पे एंट्री अभी लेनी है या फिर ये 100 रुपये से नीचे जाएगा या यहाँ से अब ऊपर जा सकता है। तो मेरा जो खुद का एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से बाय करूँगा, लेकिन आपको मैं यहाँ से बाय करने की कोई सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस मेरा जो प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो में आपके साथ पहले ही बोला है कि जो भी आप इसके अंदर बाइंग या सेलिंग करेंगे वो अपने खुद के एनालिसिस को ऊपर करेंगे, ना कि किसी और के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपका नुकसान होगा वो आपका होगा, आपका जो लाभ होगा वो आपका होगा। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इसके अंदर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लगता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट है इसका, तो यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। आप अगर देखेंगे अभी ये देखिए प्राइस ने यहाँ पे ये वीकली का है, इसने कितने वीक यहाँ पे बिताए हैं, ठीक है। और इसको भी देखेंगे यहाँ पे भी, तो फिर प्राइस यहीं पर आ चुका है। तो हमारा जो प्रिडिक्शन होता है, मतलब हम शेयर मार्केट के अंदर श्योर नहीं बोल सकते कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा या यहाँ से नीचे ही जाएगा, ये हम ये देख के ये पता लगाते हैं, ये अपना अनुमान लगाते हैं कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर ये प्राइस इससे नीचे जाता है, पहले इसके डाउन मूव का बात कर लेते हैं, तो अगर ये प्राइस इससे नीचे जाता है, इस वाले लेवल को तोड़ देता है, ठीक है, अगर ये इस वाले लेवल को मतलब यहाँ से अगर ये तोड़ देता है तो उसके बाद ये कहाँ जा सकता है। तो इसका जो अगला सपोर्ट बन रहा है वो उसका बन रहा है 99 के आसपास, तो फिर ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर है। तो अगर अच्छी खासी सेलिंग होती है तो ये इसको तोड़ देगा, और उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा जो सपोर्ट बन रहा है वो 95 के आसपास बन रहा है, जो कि वहाँ पर स्टॉप लॉस जो हमारा होगा लगभग 85 के आसपास होगा। तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं ऑलमोस्ट 10 से 11 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। तो ये तो बात हो गई डाउन मूव की, कि अगर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग बरकरार रहती है तो ये 95 तक भी जा सकता है। अब यहाँ से बात करते हैं अप मूव की। तो जैसे ये मेरा जो मैंने लेवल फाइंड कर रखा है आपके सामने जो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। और अगर ये नहीं गया तो जो बाकी मैंने लेवल मार्क रखे हैं मैं वहाँ से इसमें दोबारा से एंट्री लूँगा। तो इसके अंदर जैसे मेरी जो एंट्री होगी वो ये होगी, मतलब इससे नीचे भी मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब 114 पे मिल जाए, 13 पे मिल जाए। और जो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा ये 110 के आसपास का, और जो मेरा टारगेट होगा वो कम से कम होगा 125 से 130 का। तो यहाँ पे मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लिख देता हूँ कि जो मेरी एंट्री होगी वो 115 से 117 के बीच में होगी,
जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 110 का होगा और टारगेट जो मेरा होगा वो होगा 125 का पहला और 130 का दूसरा, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बोला है, ये मेरी खुद के एनालिसिस है, तो इसके ऊपर आप ट्रेड नहीं करें। ऐसा हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, तो ये यहाँ से तो ये मैंने आपको बता दिया अप मूव का। और अगर ये यहाँ पे लेवल पे आता है, मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नीचे आ जाता है, यहाँ पे काफ़ी सेलिंग बरकरार रहती है, तो यहाँ पे जैसे हमारी होगी एंट्री, इस वाले लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसे ये और ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर मेरी जो एंट्री होगी वो होगी 95 से 97, जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 85.50, ठीक है। तो टारगेट जो यहाँ से होगा मेरा कम से कम का, वो मेरा टारगेट होगा कम से कम 120 से 130, ठीक है। तो ये जो भी दोनों तरफ के जो भी संभावनाएं थी, मतलब नीचे जाने का या ऊपर आने का, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी सीखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का चैनल भी डाला हुआ है, उस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्री में ऐसे टिप्स देता हूँ शेयर से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे मैं टिप्स देता हूँ वो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस देता हूँ। तो वहाँ पे आप जो भी ट्रेड करें वो खुद की आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, तो प्लीज़ वहाँ पे भी चैनल को ज्वाइन करें। और वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।